तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो यार काफी क्रेजी एंड काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड काफी सारी अपडेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो सो दैट आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीएमपीएस के बारे में। तो जो बीएमपीएस की ओवरऑल स्टैंडिंग है टॉप 96 टीम्स की वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों को क्या लगता है यार किसके लिए फियर है, कौन सी टीम इजीली क्वालिफाई कर लेगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्पोर्ट्स के अपोलो को लेके। तो जो टाइटन के प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ स्टोरी लगाई जहां पे उन्होंने एक पीओवी डाला था एंड वहां पे उन्होंने बोला था कि जो अपोलो है उन्होंने इसको कैसे स्पॉट किया। तो सबसे पहले वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। स्पॉटिंग गॉड लेवल स्पॉटिंग ब्रो, गॉड लेवल स्पॉटिंग। ओ भाई भाई भाई, ओ भाई 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 भाई, मोहित जी वाले एमवीपी भाई। ए कुले देवा लिखा था बीएमपीएस नहीं बीएमएचएस एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद उन्होंने बोला था कि आरएनटी अपोलो का पीओवी चाहिए विद साउंड एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो अपोलो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहां पे उन्होंने रीशेयर किया था टाइटन की स्टोरी को, लिखा था एलिगेशन आर रियल आई अप्रूव एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हेक्टर को लेके। तो जो हेक्टर है उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि आप गॉड लाइक को टारगेट करोगे, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा। एंड इसके साथ में उनसे काफी लोग ये भी बोल रहे थे बीएमपीएस में जो बीजेएस की फाइनल्स की स्ट्रेटेजीज आपने पहले बनाई थी वो यूज करने वाले, तो इस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। लक हूं आऊंगा हेल्प करने। टारगेट करोगे क्या गॉडलाइक को? नहीं भाई, चल रे भाई होगा। लाइनअप कब दिखेगा? जरूर दिखेगा रोनित। अब जब तक यार हम पांचों बेस्ट है वे, कोई भी चार के लिए इन द एंड परफॉर्मेंस आना चाहिए, टीम जीतना चाहिए, ये माइंडसेट रखो तुम्हारा तो हमारा भी सेम माइंडसेट होगा। किसी के बीच में भेदभाव मत करो। बीएमबीएस का टाइम क्या है और चैनल नेम? आर यू गोइंग टू यूज स्ट्रेटजीज दैट यू मेड फॉर बीजेएस फाइनल्स इन दिस बीएमपीएस फाइनल्स? संजय आप फाइनल्स में देखना, बताने से कुछ नहीं होता यार। हाँ मे बी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा फाइनल्स का खेलने का तरीका बहुत अलग होता है एंड क्वालिफिकेशन का खेलने का तरीका बहुत अलग होता है, वो बात अलग है। हम बीजेएस के फाइनल्स तक नहीं पहुँच पाए थे बट स्ट्रैटेजी हमारे पास थी उस टाइम फाइनल्स के लिए भी। के बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है ग्लोबल स्पोर्ट्स को लेके। तो उनके एक आप लोगों को भी पता ही है एक्स प्लेयर थे जिनका नाम था एरिन एंड उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मैक्सकाश को लेके। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैक्सकाश की टीम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाई है, तो इसके ऊपर उन्होंने बात करी जहां पे उन्होंने बताया था न्यू टीम बनी थी एंड उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एज अ आईजीएल एंड साथ में उन्होंने बोला उनकी सिनर्जी वगैरह भी नहीं थी न्यू टीममेट्स के साथ एंड इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड उनकी जो स्टोरी है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो इनसेन आदि है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी जहां पे उन्होंने बीएमपीएस किया उनकी काफी अच्छी पफ है जहां पे उन्होंने ये चीज बोली थी कि वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं कम्युनिटी को, तो मैं इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। बोल दो भाई हैंड कैम पीओवी कैसे नहीं दिखे? अच्छा दिखेगा कैसे मैं एक्सप्लेन करूं? मेरे पास एक डिवाइस है ठीक है, अभी बहुत सिंपल है, मैं इस डिवाइस में पूरा तू तू लगा के पेल दिया, मैं सबको पेल दिया, मैं सोल गोब्लिन को तो ऐसा हेडशॉट मारा है ना, ऐसा एक एम हेडशॉट मारेगा कि वो मेरे को आके पूछेगा सिखाओ मेरे को ठीक है। मैं सबको पेल रहा एकदम बढ़िया सा पेल रहा मस्त ठीक है, पूरा पीओवी आ गया ठीक है। अब पीओवी में भी तो कुछ नहीं दिखेंगे, मैं पीओवी ऐसा दिखा सकता हूँ, ये देखो ऐसा मारा था, इधर भाग रहा था गोब्लिन, मैं ऐसा फ्लिक मारा, ऐसा फ्लिक मारा कि मेरा नाम ही आई फ्लिक है तो मैंने मार दिया भाई उसको, ओपन में भाग रहा था मेरे सामने गोब्लिन को पेल दिया, मैं ऐसा दिखा दूंगा मैं। अब इसमें तो हैक नहीं दिखेंगे करेक्ट लेजिट है, क्योंकि वही है कि भाई सैगी की कृपा की वजह से हमें पता चलता है कि भाई इतना बढ़िया बढ़िया भी सीन होते हैं कि भाई तुम्हें हैक भी नहीं दिखेंगे, तुम सीधा पीओवी दे सकते हो करेक्ट। अभी कुछ नहीं है ब्रो, पूरा गेम होने के बाद ठीक है कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही सेम ईयरफोन लगाना है ठीक है, कोई मांग रहा है मेरे से पीओवी मैं अपलोड कर दूंगा उसको दे दूंगा ठीक है। अब दूसरी बात, अगर कोई मेरे से हैंड कैम मांग रहा है ठीक है, मैं वो पीओवी चलाऊंगा, चालू कर दूंगा गेम यहाँ पे, वो रिकॉर्डिंग जो है वो सीधा चालू कर दूंगा और यहाँ से वो ट्रिपल एक्सेस गाइडेड जो है मैं ऑन कर दूंगा, विच मीन्स कुछ भी टच करेगा चलेगा नहीं, यहाँ से कैमरा लगा दूंगा, ईयरफोन लगा दूंगा, सारे कॉल सब कुछ क्या आ रहे मेरे को पता है,
मैं वापस वही एक्टिंग कर दूंगा। अरे बहन चौथ, ये ओपन में कैसा भाग रहा है गोब्लिन साले, और प्लिक मार दिया, हो गया सब रिकॉर्ड हो गया, और बंद कर दूंगा ये वीडियो जो है उठा के मैं गोब्लिन को दे दूंगा, बोसड़ी के ये लो। मैं एग्जाम्पल लिया गोब्लिन का, अपना ही बंदा है वो, कुछ करेगा नहीं अपने को। तो आपको समझ में आ गया कि तुम कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, पीओवी भी आ गया, तुम्हारा मस्त रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है तुम्हें, तुम्हें तुम्हें गेम के अंदर की आवाज तुम्हें सीधा सुनाई दे रहे ब्रो, तुम्हारा कॉल तक तुम्हें सुनाई देगा, तुम्हारा कॉल तक तुम्हें सुनाई देगा, वो सुन के तुम्हें बस रिपीट करना है। तुम्हें तो पता ही है तुम लौड़ू जैसा कौन सा कॉल दिया है, तुम्हें तो पता ही है, इतना तो रहेगा, जस्ट मैच खत्म हुआ है, तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम्हें कहां पे क्या कैसे खेला है। It's easy to match, bro. के बाद एक्स्ट्रा अपडेट निकल कर आती है रौनक को लेके, तो काफी लोग उनको बोल रहे थे कि आपको कॉम्पी में दोबारा चाहते हैं हम खेलता हुआ देखने हैं, इस पे उन्होंने रिप्लाई करा है। उसके बाद उन्होंने बात करी थी BGMI में जो हैकर्स वगैरह आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर ये चीज जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो BGMI जो है वो डेड हो जाएगा। तो उन्हें इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख लो। गाइस मैसेज पढ़ ले, का वांट टू सी यू बैक एज एन ईस्पोर्ट्स प्लेयर, आएंगे ब्रो आएंगे, कुछ टाइम में आएंगे। नहीं चलता है भाई कम्युनिटी में, ओह माय गॉड, कल तो भाई लाइव प्लेयर बैन हुआ है सी पे, हद हो गई। हेलो जट रत्सा, व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम टू माय स्ट्रीम बड़ी, क्या हाल चाल। बस कल की स्ट्रीम देख के ऐसा माइंड फक हो रखा है कि क्या है ये सब फालतू का फालतू गिरी। कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा इस, वरना डेड सीन हो जाएगा स्पोर्ट्स का, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो एकदम पूरा बुरा हालत हो जाएगा स्पोर्ट्स का, आई स्वेयर। कुछ क्या होगा क्या पता। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है जस्टिन को लेके, तो जस्टिन है उन्होंने बात करी थी डाउनफॉल के बारे में, तो काफी लोग उनको पूछ रहे थे कि जो GDR है उनका डाउनफॉल क्यों आ रहा था, इस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते। फॉल ब्रो, डाउनफॉल कैसे, मतलब हम क्वालिफिकेशन का ट्राई कर रहे हैं अब तो, आई नो इतना वो डोमिनेंट परफॉर्मेंस अभी तक आया नहीं है, आएगा चिल। समझ गया मैं, कोई ना गाइस होएगा होएगा। अरे नहीं पर उसके बाद भी लैंस खेले वो, वैसे पूछ रहे वो स्काई और यूवी का। क्या GDR तो टॉप 16 के लिए है शायद, है ना, क्या पता ब्रो, अभी कुछ फिक्स नहीं है। क्या, अरे गैप देख, अबे कट ऑफ देख क्या जा रहा है। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।